हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 5 समांतर श्रेणी में स्वाध्याय 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सम हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि A12 = 37, D = 3 दिया है। तो ए और एस 12 ज्ञात करना है हमें, मतलब ए बराबर कितना होगा और 12 पदों का योग कितना होगा, हमें दोनों ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से देखिए। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्या करना है आपको, पहले फॉर्मूला लिख लेना है। तो देखिए, जैसे A12 लिख लीजिए आप पहले, क्योंकि हमको हमें देखिए A12 और D की ही कीमत दी गई है, तो यही दो कीमत में से आगे ना कुछ सॉल्यूशन होगा और A और AS12 मिलने वाला है। तो पहले A12 लिख लेंगे। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, तो A+11D = 37, बराबर 12वें पद का ही फॉर्मूला लिख दिया हमने, A+11D। अब आप चेक करिए, आपको ए दिया है तो ए फाइंड करना है हमें, डी दिया गया है क्या, यस डी दिया है, और 37 दिया है, मतलब हमें ऐसे फाइंड क्या करना है बच्चों, ए फाइंड करना है, डी हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस सूत्र से आराम से हमारा ए फाइंड हो जाएगा। तो देखिए, ए को ए लिखेंगे प्लस 11 का 11, डी कितना है हमारे पास 3 = 37, तो इसलिए A+11 = 33 = 37, तो इसलिए हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस 33 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A+37 + 33 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनली ए आ चुका है, कितना आ गया है 4, आ चुका है हमारा ए। अब हमें फाइंड क्या करना है, S12, तो हमें S12 का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो बड़ा वाला, क्योंकि जब हमें L देंगे तब हम सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो L वाला फॉर्मूला है, तो L वाला नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे बच्चों, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये वाला N/2 2A+N-1 × D। अब यहां पे देखिए, एन, तो एन हमें 12 दिया गया है, 12 के बटे में 2, दो, ए कितना है बच्चों, तो ए अभी हमने फाइंड किया 4, एन 12 है हमारे पास, और डी कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। चलिए यहां से ध्यान से कैलकुलेशन देखिएगा, काट दीजिए पहले 2 × 6 = 12, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, तो गणित में आपको याद रखना है, जब भी कॉन्स दे होंगे तो सबसे पहले हम कॉन्स सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 4 × 2 = 8 होता है, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, और 11 और कौन से बाहर 3 है मतलब गुणा है, तो 11 दिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 6 का 6 लिखेंगे, 33 और 8 कितना हो गया 41, दोनों का गुणा कर देंगे, 6 कम 6 6 चौक 24, तो हमारा ए भी मिल चुका है और S12 भी मिल चुका है। तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। तो जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक की जरूर कीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद।